तो हाय गाइस, मेरा नाम है मीरू भाई और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइस। तो स्पोर्ट्स गाइस में आपका स्वागत है। तो आज से पहले कुछ साल पहले ना एक पिक्चर आई थी, द ग्रेट द लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, उसका नाम था बुढ़ा होगा तेरा बाप। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ जाओ आप, बस समझदार लोग हो यार, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसी बुढ़े ने आपकी गांड मार दी यार, मैं क्या बोलूँ, सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट उसी बुढ़े ने आपकी गांड मार दी है। मतलब 3 विकेट, द क्रूशल विकेट, जिसको जो क्या कह रहे थे कोहली का जो एग्रेशन, मतलब जो कह रहे थे आप बुढ़े हो चुके हो ऐसा वैसा जो भी हो, उसने उसकी स्किल जो, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब आज मैं सुबह ना बता देता हूँ, मैं थोड़ा कॉलेज की काम से थोड़ा गया था, तो कॉलेज में गया था, तो मैं तो बैंक की फीस भर रहा था, तो पहला विकेट गया, सेकंड विकेट में मैं भर के आता, तो सेकंड विकेट चला गया, फिर मैंने तो देखना ही छोड़ दिया, फिर मैं घर पे आता तो विराट कोहली का विकेट चला गया। मतलब क्या है यार, पुजारा का वही सेम, मतलब वो बाहर की गेंद एज लगती है कैच, जो पैट कमिंस उनके साथ किया था, फिर अभी क्या कहते हैं रॉबिनसन ने भी किया, एंडरसन ने भी किया था पहले टेस्ट में, वही चीज़ें वही गलतियाँ हो रही उनसे। फिर अगर मैं और बात करूँ, अब KL राहुल, ज़रूरत नहीं थी यार, आप पता है आपने 100 मारा है, कॉन्फिडेंस ऑन टॉप है आपका, बट नहीं होता यार, वो टेस्ट अलग था, ये टेस्ट अलग है, और बॉलर भी देखो ना कौन है यार, इट्स जस्ट अमेजिंग। और पिच में ऐसा कुछ था नहीं, बट जो अपना मतलब फर्स्ट डे ऑफ टेस्ट मैच और जो ओवर एंड कंडीशन थी, थोड़े से बादल थे, और होता है यार भले कुछ हो भी ना पिच पे, पर शुरुआत का 1-2 घंटा बहुत मुश्किल होता है, और जो हमारा जो कभी हम टॉस नहीं जीते वो आज जीते, और उनके लिए टॉस हारना मतलब बहुत अच्छा रहा है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज रहा यार उनके लिए, तो मैं क्या ही कहूँ यार। और रहाणे इतना अच्छा कर रहे थे, रहाणे, रोहित शर्मा बहुत अच्छे दिखे थे यार लंच तक, क्या बोलूँ, इट्स जस्ट अमेजिंग। और रहाणे के मैं बात कर रहा था यार, मतलब मुझे लगा चलो यार अभी लंच तक भाई तक हम संभल गए रहाणे, बट एक बॉल पहले लंच से रहाणे भी आउट हो जाते हैं, मतलब क्या ही कहूँ, 18 रन अच्छे दिख रहे थे, बट यार अनफॉर्चुनेटली फ़ायदा क्या अच्छे दिखने का, वो टीम को तो कुछ काम आया नहीं। तो लंच पे हम जाते हैं 56 for 4, और उसके बाद तो भाई साहब पूछो मत, रोहित शर्मा क्या कर रहे थे, लूज शॉट खेल गए, मेरे ख्याल से ना रोहित शर्मा जब आए थोड़ा बहुत ही डिफेंसिव हो गए, उनको फुल टॉस मिली वो भी उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए, मेरे ख्याल से अगर वो आते ही कुछ शॉट मारते ना तो रन शायद से मिलते यार, ऐसा मुझे लगता है। तो वो एक बात हुई, फिर मैं ऋषभ पंत उससे पहले आउट हुए थे, क्या बोलूँ, बाहर की गेंद मारने की क्या ज़रूरत है मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर रविंद्र फिर शमी आउट होते हैं, जो जिन्होंने 50 मारा था वो आउट हो जाते हैं, रविंद्र जडेजा कोई अच्छी यॉर्कर ही कहूँगा, यॉर्कर सिमिलर लाइक बॉल थी वो, तो उस बॉल पर आउट हो जाते हैं, वो बहुत अच्छी गेंद थी सैम करन की। उसके बाद बुमराह आउट हो जाते हैं, और फिर कुछ कहने की बात नहीं, फिर 10 रन आउट होते एडअप होते हैं, फिर ईशांत शर्मा ये आउट हो जाते हैं, अपने सिराज आउट हो जाते हैं, तो 78 पे ऑल आउट। और पिच ऐसी थी नहीं यार, अगर हमने शुरुआत का 1 घंटा आराम से अगर हमने बिताया होता तो शायद से हम जो आज इनकी सिचुएशन है, आज जो 120 पे शून्य थे, तो हम भी शायद से 250 पे 5-6 विकेट होते हमारे, अगर हमने पहला सेशन अच्छे से निकाला होता तो। बट वही बात है, वो हाइंडसाइट पे तो कुछ भी कह सकते हैं यार। तो और ये चलो ठीक है, ये तो ठीक है यार, पर जब उनकी बैटिंग है हमें लगा यार थोड़ी सी, मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई वो 100 पे ऑल आउट हो जाएंगे, बट मुझे लगा था 150-200 पे हम उनको ऑल आउट करें तो हमको चांस बन सकता है, बट यार जो उन्होंने शुरुआत की है 120 पे 0 विकेट, और खास हसीब हमीद यार, मैं आपको भी पता यार मैं उसके लिए कितना एक्साइटेड था, खेला पहले से प्लेइंग 11 में, और पहले टेस्ट में फेल हुआ, सेकंड टेस्ट में उसको अच्छा स्टार्ट तो मिला पर कन्वर्ट नहीं कर पाया, बट जो आज उस बंदे ने बैटिंग किया यार, इट जस्ट मतलब क्या ही कहूँ यार, जो रोहित शर्मा के बाद अगर मुझे कोई ऐसा लगा है पिच पे बहुत अच्छा, KL राहुल ने भी अच्छी बैटिंग की थी यार, बट वो होती है ना मतलब ऐसा लगा है कि आप पूरा कंट्रोल में खेल रहा है, तो वो थे यार हसीब हमीद, इट जस्ट ब्रिलियंट इनिंग बाय हसीब हमीद यार। आई थिंक सो एक चांस उन्होंने शुरुआत में दिया था, और एक चांस अभी जस्ट उनको वो अभी बुमराह को एक जो रोहित के थोड़ा सा कैच का चांस बना था, हाफ चांस था, बट वो ठीक है यार, वो 1-2 चांस तो होता ही है, टेस्ट क्रिकेट है, बट क्या खेला है बंदा। और रोरी बंस की बात करूँ, शुरुआत तो उनकी भी थोड़ी हो रही थी, थोड़ा एजेस वेजेस लग रहे थे, बट ठीक है यार, उन्होंने बाद में उन्होंने इनिंग्स कंट्रोल की, सिराज को 6 मारा, और वो ऐसा है अगर वो
60-70-80 रन तक पहुंचेंगे ना यार, फिर उनके कब 100 हो जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो वो एक चीज़ थी और था एक, मतलब मैंने तो सोचा, मुझे लगा था चलो यार अगर 2 विकेट इनके हम ले लेते हैं ओपनर्स के तो चलो कुछ ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बहुत तो मैच ओपन हो जाएगा। पर अब पहला दिन तो उन्होंने पूरा पूरा का पूरा ले लिया यार। अब हमें अगर सेकेंड गेम में वापसी करनी है तो बस वही यार, पहला सेशन 4-5 विकेट ले लो और गेम हाथ में आ जाएगा। अब अगर कल देखो, कल अगर इंडिया तीनों सेशन जीत भी जाती ना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप मैच में आगे हो जाओगे। देखो अगर इंडिया को अगर क्या करना पड़ेगा ना, एक सीजन में 5 विकेट लेने पड़ेंगे, अगले सीजन में 5 विकेट लेने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रन खाए तो हो सकता है। वरना आप भाई साहब कि पहले सेशन में 70 रन ले रहे हो 3 विकेट, दूसरे सेशन में 70 रन 3 विकेट, तीसरे सेशन में भी 70 रन 3 विकेट, अगर ऐसा हुआ तो मैच समझो गया, कल हमारे हाथ से मैच गया। भले हम 10 विकेट ले भी ले, शायद से वो सेशन भी हमारे नाम ही हो, बट क्या फ़ायदा, 2 रन तो हमने उनको दे दिए। तो मुझे लगता है कल सुबह जो न्यू बॉल तो नहीं, बट जो न्यू कंडीशन होंगी, आई थिंक सो कल बादल है थोड़ा, मैंने चेक किया था मतलब सुना था तो थोड़ा सा बादल है, तो वो हमें हेल्प कर सकता है। अब देखते क्या होता है यार। तो बस इतने रखते, 7 मिनट की क्लिप हो चुकी है, फिर ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, तो बस इतने रखते। और हाँ, पैरा ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा अपडेट करना भूल गया, और वो और उससे तो मेरा दिन की शुरुआत ही खराब हुई थी, दिन का अंत भी खराब ही हुआ है यार। क्या ही कहूँ मैं, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब यार अब टीवी पर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, उधर नीचे पट्टी लिख के आ रही है कि अब 12 बजे से हम पैरा ओलंपिक ब्रॉडकास्ट करेंगे, तब हम देख के क्या करेंगे यार। मतलब क्या मतलब नहीं, हमारे सुबह 2 मैच थे टेबल टेनिस के, अनफॉर्चुनेटली पहला मैच तो नहीं लगा, मुझे पता नहीं कि यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे गया, उनके पोस्ट के नीचे बहुत सारे लोग कह रहे थे यूट्यूब पे लाइव है। तो पहला मैच तो अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देख पाया, सेकंड मैच में जब देखने जा रहा था वो ब्रॉडकास्ट हो नहीं रहा था, कोई तो बंदा आई थिंक सो वहाँ पे लाइव मैच देख रहा था स्टेडियम में, से वो स्कोर अपडेट कर रहा था लाइव चैट पे, कितना सच है झूठ मुझे पता नहीं। हाँ अनफॉर्चुनेटली हमें जो भावना पटेल और सोनल पटेल जो हमारे व्हील चेयर टेबल टेनिस प्लेयर है, वो हार चुकी है पहला राउंड। सेकंड राउंड उनका, मतलब पहला राउंड मतलब जो पहला ग्रुप मैच है, अभी उनके और ग्रुप मैच होंगे, तो वो है, वो एक बात है। अभी कल एक मैच है उनका, 9:30 बजे मैच है, और एक एक सोनल पटेल का 5:30 बजे मैच आई थिंक सो, और ब्रॉडकास्ट तो होगा बिकॉज उन्होंने दिखाया तो है अपने शेड्यूल में, बट आई डोंट ट्रस्ट यार ये यूरोस बोर्ड, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं, उनको वो क्या कहते हैं गोल्फ, वो यूरोपियन गोल्फ क्या कहते हैं, फिर यूरोपियन सॉकर डच लीग और मेजर लीग, फिर उनका साइकिलिंग, ये सब भी दिखाते हैं वो, तो बहुत फालतू, इसको हाथ में चला गया। या फिर एक डीडी स्पोर्ट अगर अपने से राइड खरीदता तो अच्छा होता यार। तो बस यही है यार, अब कल 2 मैच है, मैं तो देखूंगा मैच, ऑफकोर्स देखूंगा अगर टीवी ब्रॉडकास्ट हो गया, या फिर यूट्यूब पे देखने की कोशिश करूंगा, बट आपको वीडियो मिलेगी नहीं मिलेगी इस पे थोड़ा डाउट होगा। पहला मैच का मैं आपको कवर कर दूंगा बिकॉज 9:30 बजे मैच है, 5:30 कल का जो 5:30 वाला मैच है वो हम क्रिकेट के साथ ही कवर कर लेंगे यार, बिकॉज यार आपको ही पता है यार सेटअप को शूट करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है जगह, तो उसके वजह से। तो बस यार इतने रखते हैं आज वीडियो के लिए, और क्रिकेट होप यार कल हमारी कल का दिन हमारा हो, उम्मीद कम है पर देखते क्या होता है। तो बस यार इतने आज वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, तब तक के लिए पीस।